और मैं बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की तरह राजस्थान में भी सीएम के फैसले में सबको चौंका सकती है। हालांकि एमपी में ओबीसी और छत्तीसगढ़ में आदिवासी वर्ग से मुख्यमंत्री बनाने के बाद अब राजस्थान में सामान्य वर्ग से किसी विधायक को सीएम बनाया जा सकता है, खबर ऐसी ही है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह को मौका ना देने के बाद अब वसुंधरा राजे को राजस्थान में मुख्यमंत्री बनाने की जो संभावनाएं थी वो बहुत कम हो चुकी है। माना यही जा रहा है कि राजस्थान में सीएम का चेहरा न सिर्फ नया होगा बल्कि विधायकों में से ही कोई एक चुना जा सकता है। सामान्य वर्ग के साथ महिला विधायक को भी मौका मिल सकता है या फिर एससी वर्ग से भी किसी विधायक को मौका दिया जा सकता है। दिया कुमारी, राज्यवर्धन राठौड़, पुष्पेंद्र सिंह, राणावत जोगेश्वर गर्ग और अनीता बदेल जैसे विधायकों के नामों के ऊपर चर्चा है। अगर विधायक से बाहर किसी को मौका मिला तो फिर सीपी जोशी या गजेंद्र शेखावत मुख्यमंत्री हो सकते हैं राजस्थान के। और चलिए अब आपको बता देते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में किस तरह से बीजेपी ने सभी को साधने का काम किया है, यहां पर इसके बारे में भी आपको जानकारी देते हैं। तो कैसे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जरिए बीजेपी ने सबको साधा है। सबसे पहले शुरुआत छत्तीसगढ़ के साथ, क्योंकि सबसे पहले मुख्यमंत्री यहीं पर चुने गए थे। अब विष्णुदेव साय को यहां चुना गया मुख्यमंत्री। इसके अलावा अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मोहन यादव, और कहा यही जा रहा है कि मोहन यादव के नाम के साथ साथ 2024 में उत्तर प्रदेश के अंदर भी जीत मिल सकती है। एक बड़ा वर्ग वहां पर भी इस समुदाय से जुड़ा हुआ है, तो 2024 में भी कैसे जीत मिले ये साधने की कोशिश है। राजस्थान की अगर हम बात करें तो विधायक दल की बैठक आज यहां पर होनी है और कहा यही जा रहा है कि शाम 4 बजते तक संभावना यही है कि राजस्थान में कौन बनेगा मुख्यमंत्री ये सभी को पता चल जाएगा। और इसी के साथ मध्य प्रदेश में जैसे ही मुख्यमंत्री के तौर पर मोहन यादव के नाम पर मुहर लगी, उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। सैकड़ों की संख्या में मोहन यादव के समर्थक उनके घर के बाहर जुट गए और मोहन यादव के घर पहुंचते ही फूल की मालाएं पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया गया। बीजेपी ने मोहन यादव को मध्य प्रदेश का नया मुख्यमंत्री बनाने का फैसला लिया है, जिससे मोहन यादव के समर्थकों का जोश काफी हाई है। वहीं प्रदेश की जिम्मेदारी मिलने पर मोहन यादव ने भी खुशी जाहिर की और प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद दिया। जो विकास का कारवा बढ़ाया माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, निश्चित रूप से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। मध्य प्रदेश की उज्जैन दक्षिण सीट से मोहन यादव ने कांग्रेस उम्मीदवार चेतन प्रेम नारायण यादव को 12,941 वोटों से हराया था। हालांकि मोहन यादव का नाम मुख्यमंत्री की रेस में दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ रहा था, लेकिन उनके नाम पर मुहर लगाकर बीजेपी ने सभी को चौंका दिया। और मोहन भागवत के घर में खुशी की लहर है, पूरा परिवार जश्न में इस वक्त डूबा हुआ है। मोहन भागवत के बेटे अभिमन्यु यादव ने कहा कि उनके पिता को ये जिम्मेदारी सिर्फ लंबा राजनीति सफर तय करने के बाद ही मिली है। और साथ ही अभिमन्यु यादव ने अपने पिता के संघर्ष वाले दिनों की याद भी दिलाई। उन्होंने बताया कि कैसे उनके पिता ने सालों पहले अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी। 40 साल के बाद उनको मुख्यमंत्री का दायित्व सौंपा है और इसका वो बहुत अच्छे से कर्तव्य निभाएंगे। मोहन यादव के घर पर अब उनके समर्थक लगातार पहुंच रहे हैं और इसीलिए पुलिस भी सतर्क हो गई है। रात के वक्त ही पुलिस की एक टीम मोहन यादव के घर पहुंची और वहां उनके घर के मेन गेट पर सुरक्षा जांच के पूरे इंतजाम किए। तो अब जबकि मुख्यमंत्री बन चुके हैं मोहन यादव, उनके नाम का ऐलान कर दिया गया, तो जाहिर सी बात है जो पुलिस है, प्रबंधन है, वो भी सचेत हो चुका है और मोहन यादव के घर पर पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। देखिए, मध्य प्रदेश में बीजेपी विधायक दल की बैठक में उप मुख्यमंत्री के लिए भी जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला को चुन लिया गया और उसके बाद उनके समर्थकों में जश्न का माहौल शुरू हो गया। इधर मंदसौर की मल्हारगढ़ सीट से विधायक जगदीश देवड़ा को उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की खबर के बाद उनके घर बधाइयां देने वालों का तांता लग गया। इलाके में सभी लोग जश्न में डूब गए, जगह जगह आतिशबाजी और मिठाई बांटी गई। कार्यकर्ताओं ने भी खुशी में नाच गाकर जश्न मनाया। वहीं जगदीश देवड़ा के बड़े भाई ने मंदिर में जाकर भगवान का शुक्रिया अदा किया। एक संदेश गरीब लोगों में और आम जनता में दिया है कि जो भी निष्ठावान और ईमानदार कार्यकर्ता है उनको आगे बहुत अवसर है। 13 दिसंबर को भोपाल के लाल परेड मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होना है, जिसमें सीएम मोहन यादव समेत दोनों डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला शपथ लेंगे। मध्य प्रदेश में सीएम के नाम पर बीजेपी ने सियासी पंडितों को चौंका दिया। बीजेपी विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से मुख्यमंत्री पद के लिए मोहन यादव को चुना गया।
जिसके बाद उज्जैन में उनके घर और इलाके में सभी लोग जश्न में डूब गए। मोहन यादव की पत्नी का भी पति के मुख्यमंत्री बनने पर खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उन्होंने अपने पति को मिली इस बड़ी उपलब्धि को मेहनत का फल बताया। वह उनके घर के बाहर पार्टी कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ जमा हो गई और पटाखे फोड़कर मिठाइयां बांटकर जश्न मनाया गया। समर्थकों ने मोहन यादव के स्वागत में नारे लगाए और उन्हें नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दी। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव न सिर्फ राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं, बल्कि वो तलवारबाजी और लठबाजी के भी बड़े धुरंधर हैं। दरअसल उनके नाम का मुख्यमंत्री के रूप में ऐलान होते ही मोहन यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है, जिसमें मोहन यादव दोनों हाथ से लठबाजी करते दिखाई दिए। वीडियो में मोहन यादव एक मजे हुए लठबाज की तरह लठबाजी करते नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो साल भर पहले उज्जैन में हुए स्वच्छता पखवाड़े का बताया जा रहा है, जहां मोहन यादव ने अपना हुनर दिखाया था। इस समय मोहन यादव सिर्फ एमपी में ही नहीं बल्कि पूरे देश में चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। वही 13 दिसंबर को भोपाल के लाल परेड मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होना है, जहां मोहन यादव सीएम पद की शपथ लेंगे।